अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं अंडा दम बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने अंडा लिए हैं, उबाल लिए हैं अंडा को, आलू को भी उबाल लिए हैं, टमाटर, लहसुन, हरा मिर्च, प्याज। अब चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनानी। और मैं टमाटर को और लहसुन को पीसना होगा। प्याज को भी पीस रही हूँ। आलू को चूर कर लिए हैं, इसमें मसाला डाल रही हूँ, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, बेसन 1 चम्मच, हल्का तेल डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेना है। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गरम हो चुका है। अब सरसों तेल डाल रही हूँ अंडा को फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो चुका है, अब अंडा डाल रही हूँ। फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेती हूँ। तेल डाल रही हूँ सरसों तेल। मेथी फोड़ना,
टमाटर लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको थोड़ा फ्राई कर लेना होगा। मसाला डाल रही हूँ, धनिया गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मसाला को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना होगा। पानी डाल रही हूँ एक गिलास, अब हो चुका है। अब अंडा डाल रही हूँ, अंडा दम बन के तैयार हो चुका है। अब इसको उतार लेती हूँ। अब अंडा दम बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी घर पर ट्राई करके देखिएगा और कैसा बना है लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।